समर वेकेशन स्टार्ट तो फिर वीर का कैंप स्टार्ट। ओ वीर को भी कुछ कहना, वीर को क्या कहना है? हाइड एंड सीक? नो बेबी, नो हाइड एंड सीक। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, कम 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 कम। ओ चलो 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 चलो, मैम इज वेटिंग। बाय बाय बाय। हेलो एवरीवन, मैं शुभ्रा और आप देख रहे हैं द कैमरा स्टोरी। और आज मैं मेरी बहुत प्यारी फ्रेंड से मिलने जा रही हूँ अहमदाबाद में। ये लड़की पहली इंसान है जो मेरी दोस्त बनी थी। शी इज़ मैरिड इन देहरादून, वो दिल्ली आई है और आज हम मिलने वाले। उसके दो बेटे हैं, मेरा एक है और आई एम सो एक्साइटेड। हमारे बच्चे पहली बार मिलने वाले हैं। चलो फिर मिलाते हैं आपको विनीता नेगी से। हम लोग रस्ते में हैं, मेरा घर DLF मॉल से बहुत पास में है, तो अभी दिखा रहा है 10 मिनट, बस 10 मिनट में पहुंच जाएंगे। और वीर को पता है, हम कहीं भी जाते हैं ना, हम कहीं भी जा रहे होते हैं, वीर को बस ये लगता है कि वीर छोटू दीदी के घर जा रहे हैं। वीर कहाँ जा रहा है? छोटू दीदी। ये है वो प्यारी लड़की विनीता नेगी। से हेलो। वीर को मजा आ रहा है? फन। ओ वाओ वीर, पुराने दोस्त से मिलते हैं तो फोटो क्लिक कराना बहुत ज़रूरी है, मगर द डिफिकल्ट पार्ट इज उस इंसान को ढूंढना जो ढंग का फोटो क्लिक कर दे। विनीता मैडम कुछ लकी ड्रॉ वाला करने का प्लान कर रही है, यहाँ पे कुछ लकी ड्रॉ वाला है और मैडम जी अपनी किस्मत आजमाने वाली हैं। इस लड़की को हमेशा कुछ नया ट्राई करना होता था, इसे हर चीज़ की इतनी क्यूरोसिटी रहती थी ना, ये अभी भी वैसी ही है। और मुझे कभी भी कुछ भी नया नहीं ट्राई करना होता था और मैं अभी भी वैसी ही हूँ। हमने बहुत मजे किए, बहुत गप्पे मारी और हमारे बच्चे हमारी उम्मीदों से ज्यादा शांत रहे और हमें हमारा ये मी टाइम एंजॉय करने दिया। तो फिर कॉलेज वाले डेज जीने के बाद दोबारा से अपनी नॉर्मल लाइफ में वापस जा रहे हैं। आई एम फीलिंग वेरी सैड यहाँ। बहुत मजे किए मेरी स्वीट हार्ट के साथ। मेरा बेटा नाराज है क्योंकि पता है विनीता ने एक बहुत प्यारा सा गिफ्ट दिया है वीर को और वीर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है उस गिफ्ट को खोलने के लिए और वीर को मौका नहीं लग रहा है। मैंने बोल दिया कि जब घर जाएंगे ना तब वो गिफ्ट खोलेंगे और हम घर जा नहीं रहे तो फिर ये बहुत ही नाराज है इस टाइम पे। क्यों है? हाँ, सच में, क्योंकि हम अपने मजे करने से हमें फुर्सत ही नहीं मिल रही है। ये लड़की वो लड़की है जिसको जो दुनिया के किसी भी कोने में रहे पर मैं इसे हमेशा अपनी दोस्त कह सकती हूँ। एक बहुत ही मज़ेदार और बहुत खूबसूरत और बहुत ही यादों भरा दिन बिताने के बाद अब हम घर जा रहे हैं वापस और वीर बस खिड़की में देख रहा है कि किसी तरह ये रास्ता बीते और उस वो घर पहुँचे और उसको ये गिफ्ट खोलने का मौका मिले, उसको देखने का मौका मिले कि उसको कौन सा टॉय मिला है। चलो जी, आज के इस ब्लॉग को यहीं पर करेंगे वाइंड अप और आपसे मिलेंगे एक नए ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।